तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिक ऑफ फ्रेडिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके डीडी फ्रेडिस में टीडक एडीएस सिग्नल आ रहा है और आप उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को प्ले किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टीडक एडीएस सिग्नल को कैसे ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीडक एडीएस सिग्नल आ रहा है मेरे टीवी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने रिमोट से मेनू बटन दबाना होगा। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि पहले तो ऐसा नहीं आता था, पहले नो सिग्नल या फिर कुछ जो आप जिस भाषा को जानते थे वैसा आता था। तो दोस्तों, ये कैसे हो रहा है ये भी बात बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसे ठीक करना सिखा देता हूं। तो दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए आपको करना क्या होगा कि अपने रिमोट से मेनू बटन दबाना होगा। जैसे ही मेनू बटन दबाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ तो आप जो पहले प्रेस करते थे मेनू वैसा कुछ आ ही नहीं रहा। तो दोस्तों, अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा स्टेप को फॉलो करें। तो दोस्तों, जैसे ही मेनू बटन दबाएंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आपको क्या करना है कि डाउन बटन दबाकर आपको चले जाना है तीसरे नंबर ऑप्शन पर, जो है वो अपना भाषा में है। तो इस ऑप्शन पर चले जाना और यहाँ जाकर आपको ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक पांच और ऑप्शन चला आएगा। तो दोस्तों, फिर से आपको वो चौथा नंबर ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर फिर से आपको ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आपके सामने ऐसा चला आएगा। तो दोस्तों, फिर से यहाँ पर आपको एक बार और ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आप पहले जो भाषा में था आपका इंग्लिश में, अगर आपने पहले ऑटो स्कैन किया होगा तो आपको आपके दिमाग में ये चीज़ आ गया होगा कि ये ऑटो स्कैन हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ ऑटो स्कैन हो रहा है और बहुत सारे चैनल, लगभग 11 चैनल अभी तक, 28 चैनल आ चुका है दोस्तों। अभी और भी चैनल आएगा इसमें, अभी 65 के बाद बहुत सारे चैनल आते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर आपको ऑटो स्कैन कर लेने के बाद दोस्तों, जब ऑटो स्कैन कंप्लीट हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका डीडी फ्रेडिस एकदम बिल्कुल सही हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 66 के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे चैनल आ गया। तो दोस्तों, अब है जो कि 100% होने वाला है, 85 हो गया और इसके बाद आप देख पाएंगे कि बहुत सारे चैनल है जो कि आ चुका है, लगभग 155 अभी तक आ चुका है दोस्तों, यानी कि 155 चैनल। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी चैनल तो आ गए हैं लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी इसमें बचा हुआ है, वो कि यहाँ पर जो लिखा आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक इसका मेनू में, वो पता नहीं क्या लिखा आ रहा है, वो अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर कौन कौन से चैनल आ गए हैं। तो एक प्रॉब्लम तो आपका दूर हो गया कि आपका जब कोई चैनल नहीं आ रहा था, बस लिख रहा था टीडक चैनल, तो वो तो प्रॉब्लम दूर हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे चैनल आ चुका है तो आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा।